नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा। OnePlus 10T की अनबॉक्सिंग हमारे YouTube चैनल पे लाइव हो चुकी है, वहां पे जाके आप OnePlus 10T के बारे में सब कुछ डिटेल में जान सकते हैं। मैंने उसी अनबॉक्सिंग में कहा था कि मैं बहुत जल्द इसका कंपैरिजन OnePlus 10 Pro से करूंगा, और आज उसी वादे के हिसाब से मैं OnePlus 10T और OnePlus 10 Pro का एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन लेके आया हूं, जहां पे हम इसकी बैटरी के बारे में जानेंगे, हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ग्राफिक्स वाइज कौन सा फोन दमदार साबित होता है। तो दोस्तों, ये रहा OnePlus 10T, ये रहा OnePlus 10 Pro, दोनों में हम कई अलग अलग प्रकार के टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें Antutu होगा, 3D Mark होगा, Geekbench होगा, PUBG न्यू स्टेट होगी। BGMI बैन हो चुकी है, लेकिन PUBG न्यू स्टेट अभी भी है और उसी का टेस्ट हम करेंगे। CPU थ्रॉटलिंग भी यहाँ पे हम जानेंगे, मतलब इन ऑल एंड ऑल पूरा एक परफॉर्मेंस टेस्ट हम करने वाले हैं। इस परफॉर्मेंस टेस्ट को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें दिखा दूं कि बैकग्राउंड में सिर्फ बैटरी लॉक ऐप खुली है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आपको एंड में दिखाऊंगा कि ओवरऑल कितनी बैटरी ड्रेन हुई है। आप देख सकते हैं एक बार फिर से कि 100% बैटरी है। OnePlus 10T में 33.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, OnePlus 10 Pro में 32.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसके साथ साथ क्विक सेटिंग देख लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑन नहीं है, खुद देख सकते हैं यहाँ पे आप, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑन आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, मैं से एयरप्लेन मोड दब गया, वाईफाई दोबारा से ऑन हो चुका है देखिए, और वाईफाई जो है दोनों का सेम है। इसके साथ साथ डिस्प्ले की सेटिंग दिखा दूं मैं आपको, दोनों में स्टैंडर्ड डिस्प्ले की सेटिंग रखी हुई है मैंने। डिस्प्ले में जाएंगे, इधर भी डिस्प्ले में जाएंगे, ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम है, हाई पावर कंजप्शन हो रही है, थोड़ी सी कम कर देते हैं ब्राइटनेस इसकी, इसमें नहीं हाई पावर कंजप्शन लिखा रहा। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं स्क्रीन रिफ्रेश रेट, दोनों में स्क्रीन रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का ही है। और आपको बता दूं कि OnePlus 10 Pro में क्वाड HD रेजोल्यूशन भी दिया होता है, लेकिन मैंने फुल HD प्लस रेजोल्यूशन रखा ताकि सेम रेजोल्यूशन दोनों में रहे। तो बैकग्राउंड से इसे बंद कर देते हैं, सिर्फ बैटरी लॉक चलाएंगे और अब फटाफट से Antutu रन करके हम जानते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहां से Antutu दोनों में खोल दिया है, अलाउ कर देते हैं। तो देखिए, पहले इन फोन्स में Antutu रन हो चुका है एक बार, और उसके हिसाब से OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T पे भारी पड़ा है, लेकिन इस बार दोबारा टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि कौन सा फोन दमदार साबित होता है। आपके सामने लाइव Antutu रन करके मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि Antutu वाइज कौन सा फोन आगे निकलता है, किसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो दोस्तों, यहां देख सकते हैं कि OnePlus 10 Pro का तो Antutu स्कोर आ चुका है, लेकिन OnePlus 10T जो है वो यहीं पे सेम जगह पे अटका हुआ है। आपको बता दूं कि OnePlus 10 Pro में जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा राइज हो गया है, 9.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया, 2% की बैटरी ड्रॉप है। यहाँ टेम्परेचर देखिए 39.2 डिग्री पहुंच गया है और अब 97% बैटरी हो गई है। इसका Antutu रुक गया है, मैं 2 मिनट और देखता हूँ, अगर ये रुका रहा तो मुझे दोबारा से रन करना पड़ेगा, कुछ तो दिक्कत आई है इसमें। तो मुझे लगता है कि दोबारा से एक बार Antutu जो है OnePlus 10T में दोबारा से रन करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OnePlus 10T का भी Antutu बेंचमार्क स्कोर आपके सामने आ चुका है, और इधर अगर आप देखेंगे तो पहले बीच में क्या हुआ था, अचानक से बंद हो गया था ये, मैंने दोबारा से इसे रीसेट किया है। और इधर आप देखिए कि जो स्कोर है वो इस बार 7 लाख के आसपास आया है, और इधर आप देख सकते हैं कि 7,20,000 के आसपास आपको यहाँ पे स्कोर देखने को मिल जाएगा। तो OnePlus 10 Pro का स्कोर देखिए Antutu में OnePlus 10T के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही आया है। कह सकते हैं कि 8th Gen 1 SoC जो है वो 8th Gen 1 SoC से फिलहाल Antutu के बेसिस पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। CPU स्कोर, क्योंकि आप दोनों में देख सकते हैं इसका CPU स्कोर ज्यादा है। वहीं अगर हम बैटरी टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसने 9 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया था और इसने सिर्फ 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है। तो ये जो CPU है ये ज्यादा स्टेबल है, यू नो हीट कंट्रोल रखता है। और इसको अगर बात करेंगे 8th Gen 1 को, तो हमने पहले भी 8th Gen 1 वाले फोन में हीटिंग इशू काफी ज्यादा फेस किया है। बट एनीवे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं और मिनिमाइज करके इन दोनों ऐप्स को बैकग्राउंड से किल करेंगे और नेक्स्ट टेस्ट की ओर चलेंगे। क्योंकि हीटिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा हैवी वाला नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था कि 3D Mark करूं, पर हीटिंग काफी ज्यादा है। अभी मैं आपको एक बार बैटरी लॉक खोल के टेम्परेचर दिखा दूं, 33.5 डिग्री सेल्सियस इसका है और इसका 37.8 डिग्री सेल्सियस है। तो 2 मिनट वेट करेंगे, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं, क्योंकि बहुत देर से वेट कर रहा था इसलिए इसका टेम्परेचर कम हो गया है। लेकिन आपको मैंने दिखाया था कि इसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा राइज हुआ था, इसका टेम्परेचर भी 34 के आसपास आने देते हैं, फिर हम Geekbench टेस्ट रन करेंगे। तो दोस्तों, दोनों का टेम्परेचर एक बार आप देख लेते हैं
तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। और अब मैं पहले गीक बेंच टेस्ट रन करूंगा, क्योंकि 3D Max जो थोड़ी सी हेवी एप्लीकेशन है वो टेम्परेचर और भी ज़्यादा स्पाइक मारेगी, इसलिए पहले इसे करते हैं, उसके बाद हम दूसरे टेस्ट पे चलेंगे। तो दोनों में CPU बेंचमार्क रन कर लेते हैं, गीक बेंच को रन कर लेते हैं और देखेंगे कि गीक बेंच में किसका स्कोर कितना आता है। तो भाइयों इधर आ चुका है दोनों फोन्स के गीक बेंच का स्कोर, और इधर भी अगर आप देखेंगे तो 8 Gen 1 SoC सिंगल कोर स्कोर में आगे निकला है। देखिए सिंगल कोर स्कोर OnePlus 10 Pro का 847 है और OnePlus 10T का 730 आया है। वहीं मल्टी कोर स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम से हैं, सिर्फ 10 अंकों से ये आगे निकला है, यहाँ 3380 है, यहाँ 3390 है। तो यार अभी आपने देखा कि भले ही 8 Gen 1 SoC 8 Plus Gen 1 SoC के मुकाबले थोड़ा पुराना होगा, एक जनरेशन पुराना है, थोड़ा भी नहीं एक जनरेशन पुराना है, पर स्कोर वाइज तो आपके सामने ज्यादा अच्छा आ रहा है, चाहे एंटूडो की बात करें या फिर हम यहाँ पे गीक बेंच की बात करें। बट एनीवे अब अगले टेस्ट की ओर चलते हैं जो कि है 3D Max। पहले ऐप किल करेंगे और दोनों का बैटरी टेम्परेचर देखेंगे। तो टेम्परेचर देखिए दोनों में ऑलमोस्ट सेम सा ही है जैसा शुरू से चलता आया है। इसकी बैटरी 93% बची है, इसकी 96% बैटरी बची है, तो बड़ी बैटरी का थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे OnePlus 10 Pro को हो रहा है। इसको करेंगे मिनिमाइज और अब 3D Max एप्लीकेशन खोलेंगे, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट खोलेंगे। तो यहाँ पे अब दोनों में वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 8 Gen 1 SoC में हीटिंग की इशू थोड़ी सी शुरू से रही है और कई बार ऐसा देखा गया है कि वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट जो है इसमें क्रैश कर जाता है। अगर इसमें ये क्रैश किया तो हम इस टेस्ट को रद्द कर देंगे और हम अगले टेस्ट की ओर यानी गेमिंग की ओर चलेंगे। एक बार ही क्रैश होने पे ही मैं इस टेस्ट को बंद कर दूं, क्योंकि मैंने कई बार 8 Gen 1 SoC में टेस्ट किया है वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट और ये क्रैश होता गया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा नेक्स्ट टेस्ट पे चलेंगे। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो है 8 Gen 1 SoC में वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट जो है वो हर बार ड्रॉप हो जाता है ओवरहीट होने की वजह से, और इस बार भी ओवरहीट होने की वजह से ड्रॉप हो गया है। बैटरी का टेम्परेचर देखिए 47.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, इसलिए हम इस वाले टेस्ट को बंद कर देंगे। 91% बैटरी पहुंच गई, सोचिए। और अगर हम यहाँ पे इस वाले फ़ोन की बात करें, OnePlus 10T की बात करें, तो इधर देखिए बैटरी टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो 8 Gen 1 SoC जो है वो 8 Plus Gen 1 SoC के मुकाबले स्टेबिलिटी वाइज हमेशा से ही थोड़ा कमज़ोर माना गया है। परफॉर्मेंस वाइज हमने देखा अच्छा है, लेकिन स्टेबिलिटी वाइज कमज़ोर माना गया, क्योंकि हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, मैंने वो जो टेस्ट था वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट उसे बंद कर दिया है। मैं 5 मिनट का यहाँ पे 10 मिनट का गैप दूंगा, उसके बाद हम गेमिंग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि 12:44 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं 12:54 पे यहाँ पे इनमें गेमिंग टेस्ट स्टार्ट करूंगा और अभी थोड़ा सा इन्हें रेस्ट करने देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रखा है, आप खुद देख सकते हैं। तो मिनिमाइज करते हैं और 10 मिनट का वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और टेम्परेचर अब जरा देख सकते हैं क्या है किसका। तो दोनों का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हो गया है, आप देख सकते हैं 34 एक जगह और एक जगह 35, टेम्परेचर दोनों में बराबर सा हो गया है और बैकग्राउंड पे कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं चल रही। पहले मैंने आपको सारी सेटिंग्स दिखा रखी हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे गेमिंग टेस्ट करने की, क्योंकि 3D Max में 8 Gen 1 SoC हार चुका है, बहुत ज़्यादा ओवरहीट होता है, इसकी यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है। पर अदरवाइज आपने देखा कि Antutu और Geekbench में ये आगे निकला है, OnePlus 10 Pro आगे करा लीड किया है दोनों फोन्स के मुकाबले में। और अब यहाँ पे हम चलाएंगे PUBG का टेस्ट और देखेंगे किसमें कैसे ग्राफिक्स की क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे दोनों में PUBG जो है आ चुकी है लॉबी में और PUBG न्यू स्टेट आपके सामने मैंने ओपन किया है। BGMI तो अनफॉर्चुनेटली अब आती नहीं है और टाइमर मैं लगा दूंगा, आधे घंटे का टेस्ट हम करेंगे PUBG का। और PUBG शुरू करने से पहले एक बार बैटरी दोनों की देख लेते हैं, मिनिमाइज करके मैं आपको दोनों की बैटरी दिखा दूँ, स्क्रीन शॉट ले लेंगे यहाँ पे हम। ये देखिए बैटरी और टेम्परेचर का स्क्रीन शॉट ले लिए, 87 इसमें है, 89 इसमें है, 33.9 डिग्री सेल्सियस 35.5 डिग्री सेल्सियस दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया है। और दोबारा से PUBG खोल लेते हैं, PUBG मैंने दोनों में खोल ली है और पहले मैं आपको ग्राफिक्स दिखा दूं PUBG के। गेम स्टार्ट करने से पहले ग्राफिक्स पे जाएंगे और इधर देखिए लाइट पे करके पहले देखेंगे
दोनों में आपको 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, इधर आपको देख सकते हैं, और अल्ट्रा में करके देखेंगे कितना FPS जा सकते हैं हम। अल्ट्रा में आप 60 FPS खेल सकते हैं, यहाँ पे आप खुद देखिए दोनों में आपको 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, और अल्ट्रा में भी आपको मैक्सिमम FPS मिल जाता है 60 FPS। तो इधर हम क्या करेंगे, अब बेसिकली मैं अल्ट्रा और मैक्सिमम पे ही खेलने वाला हूँ, और इसे बंद कर दूंगा और टाइमर लगा दूंगा, आधे घंटे का टाइमर लगाएंगे हम, जानेंगे कि आधे घंटे में किस फोन की बैटरी कितनी ड्रेन होती है। टाइमर मैंने यहाँ साइड में प्लेस कर दिया है, आप देख सकते हैं टाइमर, और इधर से मैं टाइमर को करूँगा स्टार्ट और गेम को भी स्टार्ट कर दूंगा। ये सोलो है और ये भी सोलो है, हाफ एन आवर गेमिंग टेस्ट यहाँ पे हम करेंगे और जानेंगे कि किस फोन की परफॉर्मेंस कैसी आई है। दोनों में आपको सेम जो है वो फ्रेम रेट मिल जाता है, दोनों में ग्राफिक्स की क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, लेकिन बैटरी कितनी ड्रेन हुई किसकी वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। मैच फाउंड हो गया इसका भी और ये भी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में गेम स्टार्ट हो चुकी है, और दोनों में मैंने प्लेयर्स को थोड़ा सा भगा के अभी छोड़ दिया है फिलहाल के लिए, टेस्टिंग बीच में करूंगा थोड़ी सी मैं, बट आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस वाइज दोनों में आपको कोई एज सच डिफरेंस मेजर देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, हालांकि Antutu देखा आपने, Geekbench देखा, उनमें जो है 10 Pro थोड़ा सा एडवांस साबित हुआ, लेकिन इसमें देखते हैं कि हीटिंग कितनी रहती है OnePlus 10 Pro में, बैटरी कितनी ड्रेन होती है, क्योंकि 3D Mark में तो फ्लॉप हो गया 10 Pro, काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ था ये फोन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 14 मिनट हो चुके हैं दोनों में गेम चल रही है, और इधर मैं आपको दोनों में एक बार जायरोस्कोप का टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले OnePlus 10 की उठा के दिखाता हूँ, एक्टिवेट कर रखा जायरोस्कोप सेंसर मैंने, और इधर आप देख सकते हैं जायरोस्कोप जो है काफ़ी एक्यूरेटली यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इधर देखिए बहुत ही स्मूथ है, देखिए खुद देखिए आप कितना फास्ट और एक्यूरेट काम कर रहा है। 8+ Gen 1 SoC है भाई, लेटेस्ट चिपसेट है, काम करना ही चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि ना काम करे, तो दमदार चिपसेट मिलता है, जायरोस्कोप पूरी तरह से काम कर रहा है यहाँ पे खुद देखिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे OnePlus 10 Pro की, तो इसका जायरोस्कोप भी टेस्ट कर लेते हैं ज़रा, इसका भी देखिए काफ़ी फास्ट है जायरोस्कोप, अप डाउन लेफ्ट राइट पूरी तरह से फंक्शनल है अच्छे तरीके से, खुद देखिए ये भी एक पावरफुल चिपसेट है, एक जनरेशन पुराना है लेकिन पावरफुल ये भी पूरी तरह से है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8+ Gen 1 SoC ही पावरफुल है, दोनों ही काफी पावरफुल हैं, दोनों में ही आपको अच्छी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट की गेमिंग हो चुकी है, और यहाँ पे फटाफट से गेम को करेंगे मिनिमाइज और फटाफट बैटरी लॉग ऐप खोल के स्कोर देख लेते हैं। तो 81% बैटरी बची है OnePlus 10 Pro में, और OnePlus 10T में 79% बैटरी बची है। टेम्परेचर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा राइज दोनों का नहीं हुआ है, इसका 34 हो गया, इसका 36 हो गया है, इसको स्टॉप करते हैं और फटाफट से पहले गैलरी में जाके स्क्रीनशॉट्स खोल के देखते हैं कि स्कोर क्या रहा है गेमिंग का। तो ये पहले का स्कोर है जब गेम स्टार्ट की थी, 89% बैटरी थी और इसमें 87% बैटरी थी, इसका टेम्परेचर 35 था, इसका 33 था, और अब देख सकते हैं ओके 89 से 81 आया है, तो यहाँ पे 8% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला OnePlus 10 Pro में। अगर हम बात करेंगे OnePlus 10T की, तो 87 से ये 79 आ चुका है, तो इसमें भी 8% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। टेम्परेचर की बात करें तो 35 से 36 आया, 1 डिग्री बढ़ा है, इसमें 33 से 34 आया, तो इसमें भी 1 डिग्री बढ़ा है, तो टेम्परेचर दोनों का नॉर्मल है, और बैटरी भी जो है दोनों में सेम ही ड्रेन हुई है, 8% बैटरी दोनों में ड्रेन देखने को मिली है। हालांकि अगर शुरुआत जब हमने की थी तब से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको रिजल्ट अलग मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब शुरुआत की थी इसमें 100 थी, तो अब जो हो गई बैटरी वो हो गई 81, और इसमें जब शुरुआत की तब 100 थी हम देखा, और अब जो हो गई है 79, तो 2% एक्स्ट्रा चल रही है OnePlus 10 Pro की बैटरी। एनीवे फोटोज को बैकग्राउंड से हटाते हैं, गेम को बैकग्राउंड से हटाते हैं, इधर भी फोटोज को हटाया, इधर भी गेम को हटाया, और अब हम अपने लास्ट टेस्ट की ओर चलेंगे जो कि है CPU थ्रॉटलिंग, और एंड में हम एक बार Antutu दोबारा रन करके देख लेंगे कि किसका Antutu स्कोर कितना आता है इतना हार्ड कोर टेस्ट करने के बाद। तो CPU थ्रॉटलिंग करूंगा मैं यहाँ पे 20 मिनट्स की,
इसका मैं सेट कर देता हूँ 20 मिनट्स का टाइमर, यहाँ 15 मिनट लिखा है, 20 मिनट्स, और सेव कर देते हैं और टेस्ट को हम करेंगे स्टार्ट, ताकि आपको यकीन आ जाए कि किसकी थ्रॉटलिंग कैसी है, कौन सा फ़ोन ज़्यादा थ्रॉटल करता है, इस टेस्ट के बाद मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट हो चुका है, 20 मिनट्स का मैंने सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था। और इधर अगर आप देखेंगे तो OnePlus 10T जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रिटेन करने में शानदार साबित हुआ है। मैंने आपको बताया था जब 3D Mark का टेस्ट करते थे तब बताया था कि इसमें स्टेबिलिटी इशू है, 8th Gen वाले सोसी में स्टेबिलिटी इशू काफ़ी ज़्यादा है, कई लोग बोल चुके हैं, कई बार टेस्ट भी हम कर चुके हैं, जरा सा हीट होता है ये तुरंत से परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देता है, और वैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हीटिंग आई और परफॉर्मेंस एकदम डिप हो गई, फिर थोड़ा फोन ठंडा हुआ, फिर परफॉर्मेंस ऊपर गई, और फिर गर्म हुआ, फिर डिप हो गई, फिर ठंडा हुआ, ऊपर गया, और फिर देखिए डिप होने लगा था, पर 20 मिनट्स पूरे हो गए। इधर आप देखेंगे तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो आई है इसकी वो 259178 आई है, और इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो आई है 280 आई है। नो डाउट एक्चुअल जो यू नो प्रोसेसर जो है वो काफ़ी पावरफुल हुआ है साबित, एंटीडू स्कोर में भी, गीक बेंच में भी, और इधर भी हाईएस्ट परफॉर्मेंस में भी, लेकिन अगर एवरेज और मिनिमम की बात करेंगे, पहले मिनिमम देख लीजिए, इसकी जो मिनिमम परफॉर्मेंस गिरी है गर्म होने के बाद, हीट होने के बाद 158 पे आ गई, और इसमें देखिए मिनिमम परफॉर्मेंस गर्म होने के बाद भी 204 थी, तो ये ऊपर है मिनिमम परफॉर्मेंस वाइज भी, और एवरेज कैलकुलेशन में भी इसकी परफॉर्मेंस इसकी परफॉर्मेंस जो है 10 प्रो की वो 10T के मुकाबले कमजोर साबित हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाई इसमें स्टेबिलिटी इशू है, गेम जब आप खेल रहे होंगे लगातार लॉन्ग टाइम गेम जब खेल रहे होंगे, लंबी देर के लिए गेम खेल रहे होंगे, तब आपको कई सारे इसमें लैग्स और जैंक्स देखने को मिलेंगे, कई बार स्टटर देखने को मिल जाएगा, पर इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से हीटिंग को मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिप नहीं हो रही। तो इधर हम कह सकते हैं कि OnePlus 10T जो है, यानी 8th Gen 1 SoC जो है वो 8th Gen 1 SoC के मुकाबले पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। 8th Gen 1 SoC में कई सारी स्टेबिलिटी इशू कई बार नोटिस की गए हैं, और अब आपको थोड़ी सी इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। हालांकि जो गीक बेंच और एंटीडू के स्कोर के मुताबिक पावरफुल तो 8th Gen 1 SoC साबित हो रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी डेफिनेटली हमको यहाँ पे OnePlus 10T की यानी 8th Gen 1 SoC की लगी है। अब लास्ट में एक बार हम पहले बैटरी का स्कोर देख लेते हैं, भाई 40 डिग्री टेम्परेचर है इसका, 37 डिग्री है, बैटरी ऑलमोस्ट सेम है, 5000 mAh बैटरी, तो 1% आगे है ये, यहाँ देखिए 70 हो गया, ये 72 है, तो 2% आगे चल रहा है ये। 2 मिनट रुकेंगे और उसके बाद एंटीडू स्कोर तुरंत से हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की जो बैटरी है वो नॉर्मल हो चुकी है, और इधर देखिए 34 और 36 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, परसेंटेज इसकी 70, इसके 1% ड्रॉप हो गई बैटरी, और मिनिमाइज करूँगा बैकग्राउंड पे देख लीजिए, ये CPU थ्रॉटलिंग ऐप थी, इसे किल कर दिया मैंने, और यहाँ से इसको भी किल कर देते हैं, और अब खोलेंगे हम AnTuTu बेंचमार्क, लास्ट टेस्ट है हमारा, इसके बाद हम आपको प्रॉपर जजमेंट देंगे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए दमदार साबित होता है। पहले के AnTuTu स्कोर आप देख सकते हैं, अब टेस्ट अगेन करते हैं दोबारा से और नए स्कोर का वेट करते हैं। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से इन दोनों का एंटीटू स्कोर मैंने रन किया था और स्कोर आपके सामने है। हालांकि इसका स्कोर पहले के मुकाबले थोड़ा ड्रॉप हो गया है क्योंकि काफी ज्यादा स्टेबिलिटी इशू इसमें है। आपने देखा कि काफी हीट हो रहा था, ये फोन 6.6 डिग्री और ये हीट हो चुका था, ये 3.5 डिग्री हीट हुआ है, पर अभी भी OnePlus 10 Pro का स्कोर है वो OnePlus 10T से ज़्यादा ही है। यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हैं 703903 है, और यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं कि 704313 स्कोर है, तो अभी भी इसका स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा ही आया है। तो इससे अब ये निष्कर्ष निकलता है कि OnePlus 10 Pro यानी 8 Gen 1 जो है वो 8 Gen 1 से थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज आगे है। आपने सभी यहाँ पे टेस्ट देखे, आप खुद इस बात पे अब यकीन कर पाएंगे, पर स्टेबिलिटी के मामले में 8 Gen 1 SoC पूरी तरह से आगे निकल जाता है, और स्टेबिलिटी अच्छी होने की वजह से
आपको कंटिन्यूस एक बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी इसमें, यानी वन प्लस टेन प्रो में, 8 Gen 1 में। कभी कभी परफॉर्मेंस डिप भी हो जाएगी, लैग भी देखने को मिलेगा। एक टाइम आएगा जब बूस्टर्ड परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, पर कभी कभी डिप भी मिल जाएगी जहां पे काफी लैग देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगी, जो परफॉर्मेंस शुरू में मिलेगी वही आखिर तक गेमिंग के दौरान आपको मिलेगी। तो इधर अब आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट साबित होता है। बैटरी की बात करें तो भले ही इसमें 5000 mAh की बैटरी दी हो और इसमें 4800 mAh की बैटरी हो, 200 mAh का फर्क है, पर परसेंटेज वाइज सिर्फ 1 या 2% का ही फर्क है। तो मुझे लगता है कि अब आपको अगर एक अच्छा फोन चाहिए तो आपको OnePlus 10T ले लेना चाहिए, क्योंकि स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगी और बैटरी भी आपको लगभग 10 प्रो के मुकाबले मिल जाएगी। एक दो चीजें हैं, जैसे कि इसमें कैमराज और डिस्प्ले का थोड़ा सा अंतर है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज मेरी राय ये रहेगी कि स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए आप इसको लें, OnePlus 10T आपके लिए सही फोन साबित होगा। ये बूस्टर परफॉर्मेंस जरूर दे रहा है लेकिन यहाँ पे आपको कई बार लैग भी देखने को जरूर मिल जाएगा। बट एनीवे, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।